निशा संतोषी, जिनके साथ आज सास बहू और बेटिया बिताने वाला है पूरा एक दिन। बता दे कि तनिषा संतोषी जल्द ही नजर आएंगी फिल्म गांधी गोड़ से एक युद्ध में, जो कि 26 जनवरी को रिलीज होगी। आपको बता दे तनिषा संतोषी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की बिटिया रानी है और फिल्म गांधी गोड़ से एक युद्ध से वो अपना एक्टिंग का डेब्यू करने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है और अब वो एक्टिंग में एंटर कर रही है। फिल्म गांधी गोड़ से एक युद्ध को डायरेक्ट कर रहे हैं तनिषा के पापा राजकुमार संतोषी। वैसे तनिषा अपनी इस फिल्म के लिए काफी एक्साइटेड है। तो सास बहू और बेटियां पहुंच गया है तनिषा संतोषी के घर पर। घर ने उनकी रियल लाइफ में ताका झांकी। आज वो कराएंगी अपने घर की सैर, गेम जोन में जाके करेंगी मस्ती, पेट संग बिताएंगी एक दिन, यानी कि ये डे आउट होने वाला है एकदम फन फिल्ड। तो चलिए सीधा चलते हैं तनिषा संतोषी के घर करने ये मस्ती भरा डे आउट। नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है सास बहू और बेटियां में। मैं हूं अनिता ब्रिटो और आज की हमारी स्पेशल गेस्ट है एक न्यूबी जो बहुत ही जल्द एक नए फिल्म के साथ आने वाली है, जिसका नाम है गांधी वर्सेस गोड़ से एक युद्ध। ये है तनिषा संतोषी, जो राजकुमार संतोषी की बेटी है। इनका ये पहला डेब्यू फिल्म है और आज के दिन जब वो फ्री है, जो प्रमोशंस नहीं कर रही है, उन्होंने सास बहू और बेटियां को घर बुलाया है अपना घर दिखाने के लिए और एक पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड करेंगी वो, और देखेंगे कि वो करती क्या है पूरा दिन। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं कि ये कैसा जाएगा दिन। आइए। तो भाई तनिषा ने सबसे पहले अपने घर का टूर दिया और साथ ही साथ बताई कुछ दिलचस्प बातें भी जो हम तनिषा के बारे में नहीं जानते हैं। यहाँ पे हम लोग चिल करते हैं, मैं, मेरे फ्रेंड्स, मेरे पापा के फ्रेंड्स, मेरी मम्मी के फ्रेंड्स एंड दैट्स माय डॉग लियो। लियो से हाय। तो हाँ, हम लोग यहाँ पे चिल करते हैं, यहाँ पे हम लोग गेम्स खेलते हैं, स्टोरी नरेशंस होते हैं। यहाँ मेरा फेवरेट प्लेस है मेरा टेरेस। मैं यहाँ पे वर्कआउट करती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, कॉफ़ी पीती हूँ सुबह में एंड हम यहाँ पे भी बहुत चिल करते हैं, गेम्स यहाँ पे भी खेलते हैं। आई डू योगा इन द मॉर्निंग हियर समटाइम्स। कीड़ा तो बचपन से ही था, पर मैं बहुत शाय हूँ तो हिम्मत नहीं थी मामा पापा से कहने को कि मुझे यू नो एक्टर भी बनना है था। पर 3 साल पहले मैंने पहली बार उनसे कहा और उन्होंने रिजेक्ट कर दिया आइडिया को, बट देन आई डोंट नो हाउ, पर मैंने कन्विंस कर लिया एंड नाउ आई एम पार्ट ऑफ दिस एपिक फिल्म। बचपन से मैं हमेशा कहती थी कि मुझे डायरेक्टर ही बनना था, तो मैं पापा के सेट्स पे बचपन से ही जाया करती थी, तो मुझे इतना शॉकिंग नहीं लगा जब मैं पहली बार सेट पे गई थी एक्टर के तौर पे, क्योंकि मैं बहुत कंफर्टेबल थी वो एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पे मेरे सारे चाइल्डहुड पिक्चर्स हैं और फैमिली पिक्चर्स हैं बचपन के। This is one of my favorite spots in the house as well. That's my dadi and हाँ, ये हमारी एक birthday की pictures है और that's my parents' marriage photo. I always laugh when I look at it because वो इतने shy दिख रहे हैं picture में। ज़्यादा मम्मी से हूँ पर क्योंकि मुझे पापा से बहुत डर लगता है। स्वीट ऑब्वियसली है पर सेट पे तो स्वीट नहीं थे, सेट पे बहुत डांट मिली मुझे।
but I'm very close to both of them, but I would say closer to my mom. This painting, ये हुसैन की painting है, and MF Hussain's painting, and उन्होंने हमें ये दिया था जब पापा ने ये घर खरीदा था. And it has a lot of significance. It's his famous horses. हर चीज का एक you know meaning है. तो वो bird का meaning freedom है. वो I think हाँ वो greens का भी meaning I think nourishment है. तो हर चीज का एक you know significance है. My mom is the most interested. She has taken a lot of effort in, you know, हर एक चीज़ पे वो इतना ध्यान देती है. मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ. मैं shy हूँ. मैं I think I would think that मैं funny भी हूँ. But I'm mainly shy. I'm funny. I'm very chill, easy going. Leo. मैं बहुत सारी फिल्में देखती हूँ अपने दोस्तों के साथ. मैं imitation भी करती हूँ, पर मुझे अभी नहीं करना है, तो please मत पूछो. I mean, I grew up watching like Katrina, Ranbir, Aja Prem Ki Gazab Kahani ke time. हमारे actually मेरी summer vacations चल रहे थे और हम ऊटी में 2 महीने के लिए थे. तो बहुत मज़ा किया वहाँ पे. हम लोग you know games खेलते थे, carrom खेलते थे. और वहाँ पे ऊटी में बहुत सारी भूत की कहानियाँ सुनते थे. कौन सुनाता था? रणबीर सुनाते थे, Katrina सुनाती थी. और हाँ, और फिर ग्रोइंग अप आई ग्रो अप विद जानवी एंड खुशी. वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड्स. तो बहुत सारे हॉलीडेज हम लोग साथ में भी गए हैं. आई लव स्टोरीज मुझे बहुत पसंद है, पर मुझे ना अतरंगी टाइप की फिल्में बहुत अच्छी लगती है. जैसे मैं प्रेम की दीवानी हूँ, आई थिंक 100 बार देख चुकी हूँ. और मुझे करीना कपूर की परफॉर्मेंस खुशी में बहुत अच्छी लगी. मैं उसका इमिटेशन करती थी ग्रोइंग अप. डैडी के तो है ही. लेजेंड ऑफ भगत सिंह मुझे बहुत अच्छा लगता है. अजब ही गजब कहानी मुझे बहुत अच्छी लगती है. लज्जा मुझे बहुत अच्छी लगती है. और दूसरी फिल्में भी मुझे एक्चुअली इंटरनेशनल फिल्म भी बहुत अच्छे लगते हैं. लाइक हैरी पॉटर. मैं बहुत बड़ी हैरी पॉटर की फ़ैन हूँ. मैं एक्चुअली बचपन में मैं खाना नहीं खाती थी अगर हैरी पॉटर नहीं चल रहा होता था. यस, आई एम फीलिंग वेरी प्रेशर्ड. बट एट द सेम टाइम आई थिंक लियो को भी एक्टर बनना है. वो अपने आप को मिरर में देख रहा है. आई एम फीलिंग प्रेशर, बट आई थिंक इट्स अ गुड प्रेशर. लाइक आई एम नर्वस बट एक्साइटेड, एंड होपफुली इट विल पे ऑफ इन अ गुड वे. आई होप आई कैन मेक हिम प्राउड एंड मेक यू नो द व्यूअर्स प्राउड एज वेल. एंड होपफुली दे वोंट जस्ट नो मी एज राजकुमार संतोषी की बेटी. यू नो मुझे अपनी एक खुद की पहचान बनानी है. तो होपफुली आई विल be able to do that in the coming future. Dinner table conversations is, you know, about movies, about our day, like my day, my father's day, my mom's day, my brother's day. It's about, I think we mainly talk a lot about movies. कभी कभी वो narrations देते हैं अपनी फिल्मों की जो वो लिख रहे हैं. And yeah, it's like it's fun conversation only. हम एक बहुत fun place जा रहे हैं, shots. वहाँ पे हम बहुत मज़ा करने वाले नहीं करेंगे, but करेंगे. Shots बिल्कुल नहीं करेंगे हम. हम बहुत मस्ती करने वाले हैं, हम bowling करने वाले हैं, और हमारे बीच competition होगा. भाई बातें शातें तो बहुत हो गई, अब बारी है तनिषा संग सैर सपाटा करने की. तो शुरू हुआ ये हसीन सफर, जहाँ तनिषा ने बताई अपनी ढेर सारी बातें और शेयर किए कुछ किस्से भी. तो मैं गाना ना रिपीट पे सुनती हूँ. अगर मुझे एक गाना पसंद है तो मैं रिपीट पे सुनती हूँ. और हम यहाँ लाइक मूवीज पे जाते हैं चिल करने को, और फिर हम कैफेज पे जाते हैं. और हाँ, पर मैं मुझे लाइक क्लबिंग करना वो सब पसंद नहीं है. तो मैं रात को मुझे बाहर जाना अच्छा नहीं लगता. तो आप कितने बजे तक सो जाते हैं रात को? मैं लेट सोती हूँ क्योंकि मैं पिक्चरें देखती हूँ. लाइक 2:30 लेट, पर मैं जल्दी उठती हूँ. मैं डांस करती हूँ, मैं डांस क्लासेस भी करती हूँ. मैं बचपन में मैं कथक सीखा है, तो मुझे डांस करना बहुत पसंद है एक्चुअली. हाउ अबाउट सिंगिंग? सिंगिंग थोड़ा हमें सुनाएंगे थोड़ा सा? मैं बहुत लाइक आप गाड़ी से जंप करके आप निकल जाएंगे अगर मैं गाना गाऊंगी तो. तनिषा इज
I think I'm, like I said, I think I'm very funny, I'm very chill, I'm very easygoing. I would say that I'm like any other person. I'm a very regular, like normal, you know, girl in that sense. I don't think that people think that, you know, because I'm Rajkumar Santoshi's daughter or something, like I would, like, you know, be a little different, I guess, like whatever they say, star kids, wagera. But I don't think I'm anything like that. I'm very normal, you know, very easy going. मैं actually कभी कभार school miss करके मैं set पे जाया करती थी. Bunk करती थी आप school? Bunk करती थी और एक बार तो पापा सलमान खान के साथ वो shoot कर रहे थे अजब प्रेम की गजब कहानी का एक वो cameo part था. और मैंने मम्मी से कहा कि please मुझे you know आना है. So she's like no you have school you have to go to school. तो मुझे नहीं पता था मैं कैसे निकलूँ स्कूल से. तो मैं स्कूल में अपने नर्स के पास गई थी और मैंने बोला कि मेरा तबीयत बहुत ख़राब है, मुझे प्लीज़ मम्मी को कॉल करो. एंड माय मॉम डिडंट आंसर द कॉल ओनली. तो फिर उन्होंने पापा को कॉल किया. तो फिर पापा ने बोला ठीक है आई एम सेंडिंग द कार यू कम टू सेट ओनली. तो फिर मैं सेट पे चली गई और मामा ने मुझे देखा व्हाट आर यू डूइंग हियर. Obviously, अलग लग रहा है. I'm giving an interview with आज तक तो अलग तो लग रहा है. But I'm excited. I'm very excited. I feel like मैंने एक बहुत unconventional like path choose किया है. It's not a typical launch as such, you know. तो I hope it pays off. बातें शातें तो बहुत हो गई और अब हम पहुंच गए हैं गेम जोन में जहां पर होगी मस्ती अनलिमिटेड क्योंकि यहां पर तनिषा बच्चा बन खेलेंगी ढेर सारे खेल. होगा सास बहू बेटियां की रिपोर्टर और तनिषा के बीच कंपटीशन. किसकी होगी जीत किसकी हार ये तो बात की बात है लेकिन फन करना भी जरूरी है ना. तो अब हम फाइनली यहां हैं एंड आई थिंक द फर्स्ट गेम दैट वी आर गोना प्ले इज गोना बी एयर हॉकी. वैसे खेल के साथ पेट पूजा भी जरूरी है ना, इसलिए खेल खेलने के साथ साथ हो रही है तनिषा की पेट पूजा भी. Oh dear, it melted. I wanted to eat that. Cotton candy. Big game, the bowling competition, and hopefully I win a little bit more than what I did over there.
now we're going to go to a pet cafe and the star of today, Leo, my dog, is going to join us. I'm very excited and I'm very happy. Koi competition nahi hai wahan pe. I'm going to take this. Okay? So now we're finally done and now we're going to go meet Leo and I'm going to make him meet this little unicorn. इस गेम जोन में मस्ती तो बहुत हो गई, अब बारी है थोड़ा समय तनिषा के पेट को देने का। भाई अपने पेट से तनिषा बहुत प्यार करती है और आज है तनिषा के पेट का पैम्परिंग डे, इसीलिए तो वो पहुंच गई है इस स्पेशल जगह पर जहां पर होगी तनिषा के पेट की पैम्परिंग। भाई देखा आपने, कुछ ऐसा है तनिषा का दिनचर्या, कैसे वो अपना दिन बिताती है, ढेर सारी मस्ती करती है। तो ये था मेरा आज का पूरा दिन, बहुत मजा आया। आई वांट टू थैंक सास बहू एंड बेटिया फॉर सच अ वंडरफुल डे। आज वीकडे होके भी बहुत फन डे था एंड देखना मत भूलिएगा 26 जनवरी गांधी रोड से 1 किलोमीटर। तो भाई आप सब भी तैयार हो जाइए तनिषा संतोषी को एक नए किरदार और नए अंदाज में देखने के लिए, क्योंकि जल्द ही उनकी फिल्म आ रही है गांधी गोड़ से 1 युद्ध, जिसमें वो सुषमा का किरदार निभाएंगी। मुंबई से अनीता ब्रिटो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।